हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पहुंच चुके हैं भानोड़ा बालाजी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में यह बहुत अच्छा धाम बन चुका है। मेरे पीछे देखिए, बहुत भव्य मंदिर। और देखिए, इस जगह खास बात यह है कि यहाँ पर जो है ज़मीन जो है गांव वालों ने दान दी है, और उसी पर ही है जो ये भव्य मंदिर बहुत ही बड़े एरिया में फैल चुका है। और यहाँ पर जो समिति है, वहाँ पर भी कोई ऐसी रजिस्टर्ड समिति नहीं है, लेकिन जो इतना सारा जो काम चल रहा है वो भी सब अपने भगवान की वजह से चल रहा है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं भानोड़ा बालाजी का भव्य स्थान। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आज भानोड़ा बालाजी के लिए जाने वाले हैं। जी हाँ, भानोड़ा बालाजी काटोना मोड़, जो कि चित्तौड़गढ़ कोटा फोर लेन पर स्थित हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है भानोड़ा धाम। जी हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा डबल रोड बना दिया गया है। पहले ये रोड थोड़ा सिंगल था, लेकिन अभी जो है काफ़ी अच्छा रोड बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आप आने के लिए एक रास्ता तो यहाँ काटोना मोड़ से है, और इसके अलावा आप जो तेजपुर से थोड़ा आगे रामनगर करके है, वहाँ से भी आप सीधे जो है फोर लेन से भी इसकी कनेक्टिविटी है। जी हाँ दोस्तों, खेतों के बीच से निकलते हुए और हम पहुँचने वाले हैं भानोड़ा बालाजी, जो कि एक चमत्कारिक जगह है। जी हाँ दोस्तों, आगे आप देखिए, वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ये चमत्कारिक जगह है। यहाँ पर दोस्तों, जो समिति है या जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा ही जो है ये धाम जो है बहुत कम समय में है काफ़ी अच्छा बन गया है। और यहाँ पर जो है विभिन्न मंदिर हैं, काफ़ी सारे मंदिर बन गए हैं। और बताते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान बालाजी हनुमान जी का चमत्कार ही है कि यहाँ पर जो कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और जो ये जो धाम है, ये दिन दुना रात रात चौक, ये देखिए ये चौराया, जो कि मैं बता कह रहा था अभी, फोर लेन की तरफ से जो रामनगर है वहाँ से आप सीधा भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो लगभग जो काटोना मोड़ और रामनगर से बराबर दूरी पर ही है। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं। सामने जो है मंदिर का विशाल गुंबद दिखाई दे रहा है, बहुत ही काफ़ी सारे एरिया में ये फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जो है भानोड़ा पहले गांव था, अभी भी है गांव। तो ये देखिए सुंदर मंदिर, बहुत ही जो है 3 मंजिला मंदिर अभी बन गया है यहाँ पर। और यहाँ पर है दोस्तों अलग अलग जो मंदिर है, काफ़ी सारे देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। कुछ मंदिर है जो अभी है इस धाम में जो है काम चल रहा है, और बहुत जल्दी जो है ये मंदिर धीरे धीरे जो है बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए, और जो यहाँ पर जो गुरु वगैरह हैं जो भी हैं रहते हैं, उनके लिए भी जो है आवास वगैरह बना दिए गए हैं। ये देखिए मुख्य द्वार भानोड़ा बालाजी धाम का, बहुत ही सुंदर भानोड़ा बालाजी दरबार। यहाँ से जो है मंदिर का प्रवेश द्वार है, और ये जो है मुख्य बाज़ार है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर भानोड़ा गाँव है, और ग्रामवासियों द्वारा ही जो शुरू में है इस चमत्कारिक जगह पर जो है भगवान ने यहाँ अपनी लीला दिखाई, और उसके बाद जो है गांव वालों ने धीरे धीरे स्वेच्छा से है इस महायज्ञ के लिए अपनी जो ज़मीन है उन्होंने धीरे धीरे दी, और आज जो है ये बहुत बड़ा धाम बन चुका है। क्या दोस्तों, देखिए सामने मेरे बहुत सुंदर मंदिर, और ये हम जो भानोड़ा बालाजी का मुख्य मंदिर है वहाँ पर जाने वाले हैं। क्या दोस्तों, अभी जो मुख्य मंदिर है उसका काम अभी होना बाकी है, लेकिन काफ़ी कुछ बना दिया गया है। और जो बालाजी मंदिर की जो है भानोड़ा बालाजी की जो मूर्ति है वह प्रतिस्थापित है, और साथ ही उस मंदिर में पशुपतिनाथ जी हाँ शंकर भगवान हैं, उनकी भी मूर्ति प्रतिस्थापित है। जैसा कि जो मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है, वैसे ही मूर्ति यहाँ पर भी जो है काफ़ी ऊँची है भगवान शिव की, वो प्रतिस्थापित है। और दोस्तों, आज जो कि मंगलवार है, और यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा भी हो रही है, तो बैकग्राउंड में आपको जो है हनुमान चालीसा की भी सुनने को मिलेगी। जी हाँ, वीडियो में बीच बीच में आपको बैकग्राउंड में जो है यहाँ पर जो मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है, और पूरा जो सुंदरकांड पाठ का जो है किया जाता है, तो वह आपको पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार यह मुख्य जो है मंदिर है भानोड़ा बालाजी का, और यहाँ पर जो है मूर्तियाँ प्रतिस्थापित हैं उनकी। और ये देखिए जो इस मंदिर की मैं कह रहा था, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, और अभी इसके जो है सामने तो है अभी बनना बाकी है, और ऊपर भी ये बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सुंदर जो है खम्भे लगे हुए, और काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में बना हुआ है मुख्य मंदिर। और पास में ही जैसा कि मैं कह रहा था, इसी मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा प्रतिस्थापित है। जी हाँ, काफ़ी ऊंचाई ऊंची प्रतिमा जैसे कि मंदसौर में है। ये देखिए श्रद्धालु जो है यहाँ पर सुंदरकांड
पाठ कर रहे हैं और साथ ही जो है भक्तिमय माहौल बन गया है और सभी जो है अपनी श्रद्धा जो है बालाजी के समक्ष रख रहे हैं। या दोस्तों आज मंगलवार है, इसके अलावा भी यहाँ पर पूरे सप्ताह पर और साल के 365 दिन अच्छी खासी भीड़ बनी रहती है। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पधारते हैं। कि दोस्तों आपने जो मुख्य मंदिर देखा, पास में जो है जगन्नाथ दशावतार का मंदिर भी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं जगन्नाथ दशावतार का मंदिर। सामने बहुत ही अच्छी प्रतिमा स्थापित जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की। यह बिल्कुल जो बानोड़ा बालाजी का मुख्य मंदिर है उसके पास में स्थित है। और यहाँ पर जो है एक पुराना कुआं भी है, बताते हैं काफ़ी पुराना कुआं है, वह भी स्थित है। ये देखिए सामने जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी भी एक बना है नया, यह 3 मंजिला मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम इसके बारे में दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ पर जो है महायज्ञ की जो कहे काफ़ी सालों से चल रहा है, तो जो प्रथम जो वेदी स्थल था उसी पर जो है आज मंदिर का निर्माण हो गया है। जी हाँ देखिए, जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जो है अभी भी जो है यज्ञ चल रहा है। और अभी भी जो आसपास के जो गाँव से हैं और जो दूर दूर से जो जोड़े यहाँ पर बैठते हैं, ये देखिए उस यज्ञ में जो है अपनी आहुतियाँ देते हैं। तो इस जो नया मंदिर बना है इसके जो बेसमेंट में है यह हवन कुंड जो है यह इसके लिए रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही भव्य बना दिया गया है इसको। और जो जगह जगह है चबूतरे हैं वो भी इसकी जो यज्ञ कुंड से निकली है इसको काफ़ी सुंदर रूप दे दिया गया है। जी हाँ, अंदर से ही अभी काम चल रहा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा मंदिर बनने वाला है, बन गया है वैसे तो, काफ़ी कुछ कम्प्लीट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर देखिए सामने ही मंदिर, वही बानोड़ा बालाजी का मंदिर और इसका विशाल गुंबद दिखाई दे रहा है। प्रथम जो तल है वहाँ पर जो है पूरा कांच का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो है अलग अलग जो महाभारत के और रामायण के चरित्र हैं उनके जो यहाँ पर, ये देखिए कल्पवृक्ष जो कि यहाँ पर जो है लगने वाला है। और यह जो कांच का मंदिर है सामने देखिए, इसमें अलग अलग अभी द्रौपदी और अर्जुन का मंदिर है यह। और रात के समय काफ़ी जो लाइटिंग वगैरह होती है तो बहुत अच्छा होता है। और दिन में जो क्या है पूरा कांच है तो इसमें हमारा जो है प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको अंदर से इसको बताने वाला हूँ कि अभी देखा अपन ने द्रौपदी अर्जुन की प्रतिमा और उसके आगे इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि महाभारत और रामायण के जो है अलग अलग चरित्र हैं उनकी जो यहाँ पर जो है मूर्तियाँ प्रतिस्थापित की गई है। यह दोस्तों देखिए विभिन्न जो है मूर्तियाँ यहाँ पर अलग अलग प्रतिस्थापित है चारों दिशाओं में। अभी हम 2 दिशाओं में आ गए हैं। पूरा ये है कांच से पैक कर दिया गया है और रात में जो यहाँ पर लाइटिंग होती है वो देखने लायक होती है। यह दोस्तों, और यहाँ से जो है पूरा मंदिर परिसर बहुत ही मंदिर भव्य मंदिर परिसर काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ। दोस्तों यहाँ से तो हम बहुत ही कम ही देख पा रहे हैं इसको, बाकी इससे भी यह डबल एरिया में फैला हुआ है। और ये जो मंदिर है काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, देखिए कांच से बना हुआ। और साथ ही जो इस पर जिस प्रकार से इन्होंने बनावट की, ऐसा लगता है कि लकड़ी का बना हुआ है लेकिन ये लकड़ी का नहीं है, पत्थर के ऊपर इन्होंने। और ये यहाँ पर देखिए भगवान राम और सीता मैया की और लक्ष्मण और हनुमान जी का जो है रामायण के जो चरित्र है उनका पूरा। और यहाँ से देखिए सामने जो एक ये पूरा जहाँ से हम नीचे आए थे अभी, और एक ही जो है और एक हवन कुंड है, यज्ञ वेदी वो बन रही है जो कि बांस की लकड़ी द्वारा बनाई जा रही है पूरी, घास फूस डालकर। वहाँ पर मैं आपको ले जाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद, अपन वहीं चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दूर से अभी हम, जैसा कि मैंने बताया था कि जो 2 मंजिला मंदिर है उसके ग्राउंड फ्लोर पर यज्ञ वेदी थी और फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम हैं जहाँ पर जो कांच का मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। और यहाँ से जो है वो सामने देखिए, सामने भी जो है 2-3 मंदिर जो है उनका निर्माण अभी चल रहा है, वो प्रगति पर है। देखिए भारत माता का मंदिर और भी यहाँ पर जो है 2-3 अलग अलग भगवान के जो मंदिर हैं उनका कार्य चल रहा है। और ये देखिए गर्मी में जो है श्रद्धालुओं की संख्या अधिकाधिक रहेगी, तो इधर से जो है श्रद्धालुओं के लिए देखिए यहाँ पर पूरा ग्रीन मिट्टी के द्वारा जो है पैदल द्वार जो आएंगे यहाँ पर उनके लिए अभी से व्यवस्था की जा रही है। अभी दोस्तों अपन पहुँच चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड फ्लोर पर जो है
यहाँ पर भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर मूर्ति, और चारों तरफ दो ऋषि मुनि का वो लगाए हुए हैं, और जो यहाँ मंदिर है वो देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए खाटू श्याम जी, आप जो यहाँ पर जो है बेगू के पास में, मतलब जो बनोड़ा बालाजी है वहाँ पर भी है, आप खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा आपको जयपुर के पास में है, खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना पड़ेगा, लेकिन उसी की तर्ज पर यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है। क्या दोस्तों, सुंदर, और दोनों तरफ ऋषि मुनियों की जो है मूर्तियाँ हैं बनाई गई हैं। और जैसा कि मैं मंदिर के लिए कह रहा था, देखिए छोटे छोटे एक विशाल गुंबद, उसके साथ में विभिन्न छोटे छोटे जो है 5 से 7 गुंबद बनाए हुए हैं मंदिर के, तो दूर से देखने पर बहुत ही भव्य दिखाई देते हैं। क्या दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, आसपास जो खेत हैं वो धीरे धीरे है भगवान इस महायज्ञ में अपनी जो ज़मीनें हैं वो दान करते जा रहे हैं, और इस पवित्र भूमि का जो आकार है और इस धाम का जो है बानोड़ा बालाजी की कृपा से इसका विस्तार होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं बानोड़ा बालाजी का मंदिर है वो बनने वाला है, और ये जो भगवान जगन्नाथ जो दशावतार हैं इनके मंदिर का गुंबद, और अभी हम नीचे आ चुके हैं। देखिए काफ़ी सारे जो है यहाँ पर पत्थर वगैरह है, अभी भी जो मंदिर के काम चल रहे हैं उनके लिए। और दोस्तों यहाँ पर जो विभिन्न श्रद्धालु हैं वो चुपचाप से अपने श्रद्धानुसार जो है पत्थर वगैरह और दूसरे जो भी निर्माण सामग्री वो रख जाते हैं, और यही इस स्थान का चमत्कार है। देखिए अपन पहुँच चुके हैं उस पवित्र वेदी स्थल में, जो कि भी पूरा बांस की लकड़ियों से बन रहा है, और यहाँ पर भी जो है विभिन्न सारी जो है वेदियाँ बनाई जा रही है जहाँ पर जो है यज्ञ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी कार्य चल रहा है यहाँ पर भी। पूरा जो ये पंडाल है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बांस की लकड़ियों से निर्मित, और ये देखिए जैसा कि मैं कह रहा था श्रद्धालु अपने श्रद्धा से रख जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इधर निकलते हैं बेगू की तरफ से चित्तौड़ कोटा, तो आपको आना चाहिए। आशा कोई वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।